हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र चिंगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मानसिक बीमारियां दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। उसमें मुख्यतः सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट, गाबा, ये कुछ मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मानसिक बीमारियों को लेकर के। आज अपन बात करेंगे उन्हीं में से एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। अब डोपामिन भी उसी तरह का न्यूरोट्रांसमीटर जैसा कि सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन पे पहले मैंने वीडियो बना रखा है, वो किन किन मानसिक बीमारियों में इम्पोर्टेंट है, आपके डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फोबिया में, फियर में, ओसीडी में और अलग अलग कई बीमारियों में सीरोटोनिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन बात करते हैं कि डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन में क्या करता है, किस काम आता है। तो सबसे पहले तो रिवार्ड और पनिशमेंट मतलब रीइन्फोर्स करता है आपके व्यवहार को। आप कैसा व्यवहार करेंगे, कौन सा व्यवहार करना आप छोड़ेंगे और कौन से व्यवहार को आप बार बार रिपीट करेंगे, वो आपके डोपामिन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। उस समय जब आपको अच्छा लगता है उस समय आपके ब्रेन में डोपामिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में छूट। आपने जैसे सिंगिंग कंपटीशन में टॉप किया है, आपने डांस अच्छा किया है, लोगों ने आपकी तारीफ करी है, आप अच्छा काम करते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको रिवार्ड देते हैं, उस समय आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो डोपामिन की मात्रा बढ़ती है तो वो आपको खुशी देता है, आपको प्लेजर देता है। तो जब आपको खुशी और प्लेजर का एहसास होता है, वो काम आप बार बार करते हैं, तो आप अपना काम दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे, ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन के लेवल के ऊपर। अब अपन बात करते हैं पनिशमेंट के ऊपर। जब भी अपन को पनिशमेंट मिलता है, आप कुछ गलत काम करते हैं, लोग डांटते हैं या आपके नंबर कम आते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस समय अपने ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है, ये रिवार्ड पाथवे जो है वो काम नहीं करता। तो जब आपके दिमाग में इसकी मात्रा कम हो जाती है डोपामिन की, तो आपको पनिशमेंट की तरफ फील होता है और आप जो है वो व्यवहार धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं और वो व्यवहार जो है आप बंद कर देते हैं। तो आपके व्यवहार को गवर्न करने में, रेगुलेट करने में डोपामिन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब अपन बात करते हैं कि अपने दिमाग के फंक्शन में, कॉग्निटिव फंक्शन की बात करूँ तो जैसे अटेंशन, मतलब आप कितना फोकस करेंगे किसी काम पे ऊपर, कैसा कंसंट्रेशन है आपकी, आपकी मेमोरी कैसे है, आपकी लर्निंग कैसी है, ये सारे फंक्शन भी आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं। अब अपन बात करते हैं मूड की। देखिए, ऐसा देखा गया है कि अपने जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा है उसको अपन फ्रंटल लोब बोलते हैं। तो फ्रंटल लोब में और प्री फ्रंटल लोब के अंदर डोपामिन की मात्रा कम होती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप उदासी में होते हैं। तो जब आपका मन उदास है तो आपके ब्रेन के आगे वाले हिस्से के अंदर डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है। अब अपन बात करते हैं स्लीप साइकिल की और सेक्सुअल बिहेवियर की। देखिए, ऐसा है कि डोपामिन आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है और आपके सेक्सुअल बिहेवियर को नॉर्मल करता है, बढ़ाता है। तो आपके सेक्सुअल बिहेवियर को नॉर्मल रखने के लिए डोपामिन की मात्रा नॉर्मल आपके ब्रेन में होनी चाहिए। तो जो सेक्स करने की इच्छा होती है, आपके अराउजल, लिबिडो, डिजायर, वो सब आपके डोपामिन के ऊपर निर्भर करती है। डोपामिन आपके प्रोलेक्टिन हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। अगर आपके बॉडी में प्रोलेक्टिन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने में डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में अपन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अपने ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे बेजल गैंग्लिया, वहाँ पर डोपामिन जो है वो नॉर्मल मात्रा में रहना चाहिए। अगर वहाँ पर वो डोपामिन अगर कम हो जाए तो आपके बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये मूवमेंट जो है वो कम हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट होते हैं, जैसा कि पार्किंसोनिज्म डिजीज में होता है जिसको अपन पीडी बोलते हैं। तो पार्किंसोनिज्म बीमारी में क्या होता है, डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है। तो डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है तो पेशेंट बहुत धीरे धीरे चलता है, उसके हाथ ऐसे कांपते हैं और उसके बाद में उसके हाथों में ऐसे रिजिडिटी हो जाती है, हाथ पांव सीधे होने में जकड़न आ जाती है जॉइंट्स के अंदर। तो ये जो मूवमेंट्स है आपकी बॉडी के मूवमेंट्स से, चलना फिरना है या जो आप डेली रूटीन में जो मूवमेंट्स करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो डोपामिन से रेगुलेट होते हैं। तो पार्किंसन डिजीज में आपके ब्रेन के अंदर जो बेजल गैंग्लिया रीजन है, वहाँ पर डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं और इसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर से सिंडोपा, कार्बिडोपा, इस तरह की मेडिकेशन चलती है।
अब अपन बात करते हैं कि जब ब्रेन को किसी तरह का ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, तो उसके बाद में ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में भी डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है। ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से जैसे लिम्बिक एरिया है, तो वहाँ पर अगर डोपामिन बढ़ जाता है तो आपको डिल्यूजन्स डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर होता है, सिजोफ्रेनिया के अंदर अंदर होता है। डिल्यूजन्स मतलब कि उसको ऐसे शक होने लग जाता है कि लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, लोग मेरी बातें कर रहे हैं, लोग मेरे को मारना चाहते हैं, या उसको ऐसा शक होने लग जाता है कि मेरी वाइफ के जो है कि कहीं और चक्कर चल रहे हैं, या लोग जो बातें कर रहे हैं वो मेरी बातें कर रहे हैं, या मेरे को कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो चुकी है, तो ऐसे ऐसे शक और वहम होने लग जाते हैं। तो वो भी डोपामिन की अधिकता की वजह से ब्रेन के अंदर शक और वहम हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है उनको हेलुसिनेशंस भी होने लग जाते हैं, तो अपने आप ही कानों में आवाज़ें आने लग जाती है, कोई अपने आप ही ऑब्जेक्ट दिखने लग जाते हैं, इंसान दिखने लग जाते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, उसको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। तो डोपामिन की अधिकता की वजह से डिल्यूजन हो सकते हैं, उसको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है। तो डोपामिन की मात्रा ब्रेन के अंदर बढ़ने से आपको साइकोसिस हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग दिमाग के फंक्शन हैं जो डोपामिन की वजह से नॉर्मल रहते हैं। तो ब्रेन के अंदर डोपामिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि आपके ब्रेन के अंदर नॉर्मल मात्रा में होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना ही कम। कम हो जाता है तो वो डिप्रेशन की तरह लक्षण आते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से साइकोसिस हो सकता है। और अगर बेसल गैंग्लिया में कम हो जाता है तो ओल्ड एज के अंदर आपको पार्किंसन डिजीज भी हो सकती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो है वो आपके काम आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।